नमस्कार बच्चों। तो आज 10th क्लास के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण की थ्योरी क्लास है। थ्योरी क्लास मतलब क्या, मैंने देखो जितने प्रैक्टिकल थे वो मैंने इक्वेशन के फॉर्म में समझा दिए थे आप लोगों को बोर्ड पर। तो आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की थ्योरी क्लास करते हैं और उसमें मैं सारी थ्योरी आप लोगों को लिखवाऊंगा जो भी रह गए थे। ठीक है, एक एक चीज मैं लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, चाहे मैंने क्वेश्चन आपको लिखवा दिया हो चाहे कुछ भी, तो अगर आप नए सिरे से लिखना चाहते हैं नए सिरे से लिखिए, बाकी मैंने आप लोगों को हर जगह कुछ ना कुछ जगह छुड़वाई थी और उसके बारे में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखना शुरू करते हैं। हाँ जी, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन अगर याद है मुझे, जहां तक मैंने लिखवा भी दी थी, लेकिन अगर नहीं भी लिखवाई तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, शुरू करते हैं। तो पहले हिंदी में बोलेंगे फिर इंग्लिश में बोलेंगे, मैं दोनों में अलग अलग लिखवाऊंगा। तो ऐसा ना सोचे कि हिंदी में बोल दिया इंग्लिश में नहीं बोलेंगे या इंग्लिश में बोल दिया हिंदी में नहीं बोलेंगे, तो मैं दोनों को लिखवाऊंगा। तो बैठ के उसे नोट करना है आप सभी को। ठीक है, चलिए। तो पहला है रासायनिक अभिक्रिया, इसकी डेफिनेशन 3 लाइनें छुड़वाई थी मैंने शुरुआत में ही चैप्टर के। तो लिखिए जरा कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिनमें नए गुण धर्मों के साथ, जिनमें नए गुण धर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं, नए गुण धर्मों के साथ नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को हम इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे। लिखिए, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच, केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस लिखना बच्चों, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू कैरेक्टर, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अब बच्चों क्या, अब डेफिनेशन लिखेंगे किसकी किसकी किसकी, हाँ केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन लिख लीजिए, हिंदी वाले लिखेंगे पहले। लिखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है, संकेतों के रूप में दर्शाया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहा जाता है। केमिकल वाले, अब केमिकल इक्वेशन वाले लिखेंगे। चलिए लिखेंगे, व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद बच्चों मैंने आपको मैग्नीशियम रिबन का एक टॉपिक पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि भाई ये पूरा रिएक्शन है और इसमें अब आपको तकरीबन 8 लाइनें छोड़वाई थी मैंने, 7 से 8 लाइनें। तो फटाफट वो 7 से 8 लाइनें कवर करना शुरू कीजिए, एक एक करके हम उसको बताते हैं। तो चलिए लिखेंगे जरा, लिखिए बच्चों, लिखिए पहले हिंदी वालों को लिखवाते हैं। ठीक है, लिखेंगे लिखेंगे मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया में, मैग्नीशियम रिबन की अभिक्रिया में मैग्नीशियम को सबसे पहले रैग माल से साफ किया जाता है, क्योंकि
क्योंकि क्योंकि यदि मैग्नीशियम रिबन, यदि मैग्नीशियम रिबन, यदि मैग्नीशियम रिबन हवा में, खुली हवा में हो, खुली हवा में हो, खुली हवा में हो, तो उस पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैंने लिखवा भी दिया था, एक बार फिर से लिख देता हूं, अगर परेशानी है तो मैं फिर से लिख देता हूं एक बार, ठीक है, फिर से लिख देता हूं, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, हिंदी में भी यही नाम है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है जी, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिखेंगे जरा, क्योंकि उस पर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत चढ़ जाती है, जिसे रैगमाल से रगड़कर हटाया जाता है, जिसे रैगमाल से रगड़कर हटाया जाता है, ठीक है, थोड़ा तेज भी लिखना बच्चों, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, जब मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है, तो उसमें से एक चमकदार रोशनी निकलती है, और मैग्नीशियम रिबन जलकर राख बन जाता है, मैग्नीशियम रिबन जलकर राख बन जाता है, मैग्नीशियम रिबन जलकर राख बन जाता है, और जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, जिसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, फिर इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी में मिलाकर अभिकृत किया जाता है, जिससे वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता, जिससे वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिससे वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जिससे वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और उस विलयन का रंग सफेद हो जाता है, और उस विलयन का रंग सफेद हो जाता है, विलयन का रंग सफेद हो जाता है, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, इसलिए इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। यह एक प्रकार का प्रति अम्ल भी है, यह एक प्रकार का प्रति अम्ल भी है, जो अति अम्लता जैसी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, जो अति अम्लता जैसी बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इंग्लिश वाले लिखेंगे भाई, चलो फटाफट, जिन बच्चों को भाई छूट जाता है ना, जो बहुत स्लो लिखते हैं बिल्कुल का खा खा करके, तो भाई उनके लिए एक बात ये कि पहले तो घर पे अच्छे से सुलेख लिखिए, और दूसरी बात ये कि प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने का मतलब ये है कि आप नोट करते चले, ठीक है,
और अगर आपसे ये नोट नहीं हो पा रहा है तो फिर बैक करें, फिर वापस देख लें, फिर बैक करें, फिर वापस लिख लें। क्योंकि भाई देखो, हर बच्चे के लिखने की स्पीड अलग अलग होती है। कोई बहुत तेज लिखता है, हो सकता है मैं जब पहली बार बोल रहा हूं वो तभी लिख लिया हो, लेकिन कुछ बच्चे हमारे इतने अच्छे होते हैं कि भाई उनको मैंने इतने स्लो स्लो 4 बार भी रिपीट कर रहा हूं, 5 बार भी रिपीट कर रहा हूं, तो वो बड़े प्यार से नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई काका की अभी नॉलेज कम है। ठीक है, तो भाई लिखने की स्पीड आप बढ़ाइए, क्योंकि वहां 3 घंटे दिए जाएंगे, 300 घंटे नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश वालों को लिखवाते हैं। इंग्लिश वालों लिखिए, लिखिए, इन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, 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 मैग्नीशियम आगे लिखेंगे, इन द क्या लिखवाया मैंने, हाँ, इन द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन, फर्स्टली मैग्नीशियम रिबन, फर्स्टली मैग्नीशियम रिबन शुड शुड रब विद रैगमाल, सॉरी, शुड रब विद सैंड पेपर, सॉरी सॉरी सॉरी, शुड रब विद सैंड पेपर, बिकॉज व्हेन द मैग्नीशियम रिबन, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन कीप इन द एयर, कीप इन द एयर, कीप इन द एयर अ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट, अ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर, अ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट लेयर अप्लाइड ऑन इट, अप्लाइड ऑन इट, इज अप्लाइड ऑन इट, देयरफॉर, देयरफॉर वी हैव टू, देयरफॉर वी हैव टू रब विद, रब विद, रब विद, देयरफॉर वी हैव टू रब विद सैंड पेपर टू रिमूव दिस लेयर, टू रिमूव दिस लेयर, दिस प्रोसेस इज, दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल, दिस प्रोसेस इज हेल्पफुल ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। एक मिनट बच्चों,
तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने क्या सीखा कि हेल्पफुल हेल्पफुल इन बर्निंग, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, हेल्पफुल इन बर्निंग के आगे लिखेंगे, देखिए, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, व्हेन द मैग्नीशियम रिबन इज बर्न इन द एयर, इन द एयर इट कन्वर्ट्स इन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, इन एयर इट कन्वर्ट्स इन टू मैग्नीशियम ऑक्साइड लाइक अ एस, लाइक अ एस। आफ्टर दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड, आफ्टर दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, आफ्टर दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर, आफ्टर दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। विच कलर इज मिल्की, विच कलर इज मिल्की, विच कलर इज मिल्की, देयरफोर देयरफोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देयरफोर इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इट इज अ रेमेडी ऑफ एसिडिटी, इट इज अ रेमेडी ऑफ एसिडिटी ऑल्सो, इट इज अ रेमेडिटी, रेमेडी ऑफ एसिडिटी ऑल्सो, ठीक है। चलिए आप बच्चों, मैंने आपको लिखवाया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यही लिखवाया था मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। चलिए तो जरा इसके बारे में लिखते हैं। तो मैंने सबसे पहला इसमें टॉपिक लिखवाया था गैस का निकलना, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो लिखेंगे, जरा लिखो लिखो, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस गैस का उत्पादन हो, गैस का उत्पादन हो, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण होता है, तो वह एक रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले लिखेंगे लिखेंगे व्हेन अ गैस इज इवॉल्व्ड, व्हेन अ गैस इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन, व्हेन अ गैस इज इवॉल्व्ड इन द रिएक्शन देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देन इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब वही सेम हिंदी वाले, जब किसी अभिक्रिया में, सेकंड लिखेंगे, जब किसी अभिक्रिया में, ये लिखेंगे उसमें प्रेसिपिटेट वाले में, अवक्षेप वाले में, अवक्षेप वाले में लिखो, ठीक है, अवक्षेप वाले में लिखो, जब किसी अभिक्रिया में कोई ठोस अवक्षेप बचता है, कोई ठोस अवक्षेप बचता है, कोई ठोस अवक्षेप बचता है, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का, तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन, द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब लिखेंगे चेंज इन कलर में, लिखेंगे रंग में परिवर्तन में, लिखेंगे लिखिए, जब किसी अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तित हो जाए, जब किसी अभिक्रिया के दौरान, जब किसी अभिक्रिया के दौरान रंग परिवर्तित हो जाए,
तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। तो वह भी रासायनिक अभिक्रिया का अभिलक्षण है। इंग्लिश वाले, व्हेन अ कलर इज चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, द कलर इज चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, देन इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर यही सेम डेफिनेशन टेम्परेचर के लिए लिखना आपको, ठीक है, बस कलर की जगह टेम्परेचर कर देना, ठीक है, और यही सेम चीज आपको स्टेट में भी लिखना है, अवस्था में, बस क्या कर देना, कलर की जगह अवस्था कर देना। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलो, अब मैंने केमिकल इक्वेशन की भी डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी, ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ाया था बच्चों मैंने आपको। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की मैंने डेफिनेशन लिखवा दी थी, लेकिन एक बार फिर से लिखवा रहा हूं, वो भी लिख लो, फिर से लिख लो, लिख लो। वह अभिक्रिया, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, लिखो जरा फटाफट, पेज निकाल लो, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें दो या अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में लिखेंगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बिनेशन टू और मोर सब्सटेंस कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, ऐसा लिख लेना, प्रोड्यूस अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, इट्स कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन पर। ठीक है, तो डीकंपोजिशन रिएक्शन की मैंने आपको भाई तीन केसेस बताए थे, है ना। तो पहले मैं आपको डीकंपोजिशन की रिएक्शन की डेफिनेशन बताता हूं, उसके बाद मैं उन तीनों में क्या क्या डेफिनेशन में चेंजेस होंगे वो भी बताऊंगा। तो पहले डीकंपोजिशन मतलब वियोजन, अपघटन, ठीक है, कोई से भी आप लिखिए, ठीक है, या विघटन, कुछ भी, मैंने तीन नाम बताए थे इसके। तो पहले वियोजन अभिक्रिया के बारे में डेफिनेशन लिखो, लिखो। वह अभिक्रिया जिनमें कोई यौगिक दो या दो से अधिक सरलतम पदार्थों में टूटे, उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में, those reactions in which any compound, या ऐसे लिखना, some compound, ऐसे लिखना, those reactions in which some compound breaks two or more substance called decomposition reaction।
ठीक है, अब समझ गए होगे आप कि क्या चेंज करना है, कि भाई अगर मैं बोलता हूं थर्मल डीकंपोजिशन की रिएक्शन के डेफिनेशन क्या है, ठीक है, ऊष्मीय वियोजन का क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे मैंने लिखवाया वह अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटते हैं उन्हें वियोजन अभिक्रिया, तो बस आपको क्या लिखना है, वह, चलो मैं ये लिखवा देता हूं फिर आप चेंज करते रहना, चलो एक लिखवाता हूं, थर्मल डीकंपोजिशन का लिखो, थर्मल डीकंपोजिशन का हिंदी वाले लिखो ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, इसकी भी लाइन छोड़वाई थी मैंने, तीन लाइनें लिखो लिखो, वह अभिक्रियाएं जो वह अभिक्रियाएं जिनमें यौगिक कोई यौगिक वह अभिक्रियाएं जिनमें कोई यौगिक ऊष्मा द्वारा जब कोई यौगिक ऊष्मा द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटे, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूटे तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश वाले, दोज रिएक्शंस इन विच सम सब्सटेंस ब्रेक्स ब्रेक्स बाय हीट ब्रेक्स सॉरी ऐसा लिखना ब्रेक्स टू और मोर सब्सटेंस बाय हीटिंग टू और मोर सब्सटेंस बाय हीटिंग इट्स कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इट्स कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा अब सेकंड क्या बनता है आपका भाई, लाइट, तो लाइट वाले में जहां मैंने थर्मल करवाया ना वहां पे फोटो कर देना, और जहां पे मैंने वो लिखवाया आप लोगों को ऊष्मा द्वारा टूटता है, ठीक है, वहां पर आप लोग क्या लिखेंगे, प्रकाश, ये प्रकाश द्वारा टूटता है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, लाइटनिंग बाय लाइटनिंग, ठीक है। अच्छा और इसी में इलेक्ट्रिकल में क्या लिखेंगे, विद्युत वाले में क्या लिखेंगे, विद्युत, ठीक है, और इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिफाइंग, ठीक है, तो बस वहां वर्ड चेंज करना है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, बाकी मैंने ये क्वेश्चन तो सारे देखो, क्वेश्चन तो मैं हाथों हाथ लिखवाता चल रहा था, है ना। चले अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी डेफिनेशन जहां तक मुझे याद है मैंने लिखवा दी थी, लेकिन एक बार फिर से लिखेंगे, लिखिए वह अभिक्रियाएं जिनमें वह अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व वह अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व यौगिक के दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, यौगिक के दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, यौगिक के दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। हिंदी इंग्लिश वाले, दोज रिएक्शंस इन विच एलिमेंट टेक अ प्लेस एलिमेंट एन एलिमेंट ऐसा लिखना एन एलिमेंट टेक्स प्लेस एन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड ऑफ अ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड अनदर एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलो अब जरा आ जाओ डबल डिस्प्लेसमेंट में, आ जाओ भाई, चलो लिखो जरा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया में आ जाओ, लिखेंगे वह अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक वह अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक वह अभिक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आयनों की अदला बदली करके
आयनों की अदला बदली करके, आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक बनाते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, दो नए यौगिक बनाते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। इंग्लिश वाले, दोज रिएक्शंस इन विच, यहां तक तो पहले लिख लेते होगे, दोज रिएक्शंस इन विच टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, टू न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन्स, बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन्स, बाय एक्सचेंजिंग देयर आयन्स बाय कंपाउंड इन द रिएक्ट, इन द रिएक्टेंट, इन द रिएक्शन, बाय कंपाउंड इन द रिएक्शन इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो ये भी खत्म भाई। अब क्या रह गया, रेडॉक्स रिएक्शन। चलो रेडॉक्स, अच्छा एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी रह रहा है ना। हाँ चलो एक्सोथर्मिक लिखो पहले, एक्सोथर्मिक लिखो, ऊष्मा छेपी, ऊष्मा छेपी भी लिखो, लिखो ऊष्मा छेपी में लिख लो पहले, लिखो। जब किसी अभिक्रिया के दौरान, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसे एक्सो, तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले, दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व, हीट इज इवॉल्व इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा अब इसी में मैंने आपको कुछ लाइनें छुड़वाई थी उसके लिए, अपने ये रेस्पिरेशन के लिए, है ना, कि हम लोग सांस लेते हैं कैसे वगैरह, तो ये सब इसके लिए। तो जरा लिखो, ठीक है, कि भाई चाहे तो क्वेश्चन लिख लो पहले, वाई रेस्पिरेशन, वाई रेस्पिरेशन, या ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, हाँ ये लिखो, वाई रेस्पिरेशन इज, वाई रेस्पिरेशन इज एन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हिंदी वाले लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों है, श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों है, श्वसन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्यों है, लिखिए, लिखेंगे, लिखो 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 लिखो, हाँ ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, चलो लिखेंगे, लिखिए। जब जब हम कोई भोजन खाते हैं, जब हम कोई भोजन खाते हैं तो वह हमारे आमाशय में जाकर, वह हमारे आमाशय में जाकर, आमाशय में जाकर ग्लूकोज बन जाता है, ग्लूकोज बन जाता है, जो हमारे श्वसन के दौरान, जो हमारे श्वसन के दौरान ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अभी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 और ऊष्मीय ऊर्जा, CO2 और ऊष्मीय ऊर्जा को मुक्त करता है, ऊष्मीय ऊर्जा को मुक्त करता है, इसलिए, इसलिए श्वसन एक
ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, इसलिए श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। ठीक है, चलो इंग्लिश वाले लिखेंगे, इंग्लिश वाले लिखेंगे, व्हेन वी टेक फूड, व्हेन वी टेक फूड इट कन्वर्ट्स इन ग्लूकोज, इट कन्वर्ट्स इन ग्लूकोज इन द स्टमक इट कन्वर्ट्स इन ग्लूकोज इन स्टमक एंड व्हेन वी ब्रीद, एंड व्हेन वी ब्रीद ग्लूकोल गेट्स रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ग्लूकोज गेट्स रिएक्टेड विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस CO2 एंड हीट एनर्जी, प्रोड्यूस CO2 एंड हीट एनर्जी। देयरफोर इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, देयरफोर इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एंडोथर्मिक लिख लो, ऊष्मा शोषी। चलिए तो क्या लिखेंगे हिंदी वाले, जब किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे व्हेन द हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, व्हेन द हीट इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, चलो अब मैंने एक बात कही थी आप लोगों से, इसमें भी चार पांच लाइनें मैंने छुड़वाई थी, क्या बताया था मैंने कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, वो भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो कैसे, लिखिए वाई फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, वाई फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। हिंदी वाले प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों है, एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्यों है। ठीक है, चलो लिखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान उसमें बनने वाला ग्लूकोज सॉरी 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 गलत बोल दिया बच्चों, एक मिनट काट देना इसको, काटो। ठीक है, अब लिखो प्रकाश संश्लेषण के दौरान चार चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे CO2 प्लस सूर्य का प्रकाश, कॉमा डाल के लिखना, CO2 कॉमा सूर्य का प्रकाश कॉमा क्लोरोफिल हरित लवक और जल जो इसमें यह साबित करता है कि पौधों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हुआ है
पौधों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, और बदले में ऑक्सीजन ऑक्सीजन मुक्त करने की वजह से, ऑक्सीजन मुक्त करने की वजह से आसपास का क्षेत्र ठंडा कर दिया जाता है, आसपास का क्षेत्र ठंडा कर दिया जाता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे लिखेंगे, हाँ जी लिखिए, व्हेन प्लांट मेक्स फूड और रेस्पिरेट, व्हेन प्लांट मेक्स फूड और रेस्पिरेट्स इट रिक्वायर्स फोर थिंग्स, इट रिक्वायर्स फोर थिंग्स। फर्स्ट सीओ टू कॉमा या सेकंड सनलाइट, थर्ड क्लोरोफिल और फोर्थ वाटर। ठीक है, फोर्थ वाटर। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देम, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देम, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ देम हीट हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट एंड प्रोड्यूस ओ टू, प्रोड्यूस ओ टू विच इज द सिंबल ऑफ, विच इज द सिंबल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, विच इज द सिंबल ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है जी, चलिए अब रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन। वैसे इसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं तो लिख लो। लिखो, वह अभिक्रियाएं रिडॉक्स अभिक्रिया में लिखो, वह अभिक्रियाएं जिनमें, वह अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों हो, अपचयन और उपचयन हो, ऐसे लिखना, अपचयन और उपचयन हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन और उपचयन हो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखेंगे, दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर, इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, इट्स कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलिए आप क्या लिखना है, चलो आप लिखो रेंसिडिटी, लिखो रेंसिडिटी, लिखो डेफिनेशन। हिंदी वाले लिखेंगे विकृत गंधिता, लिखो लिखो, जब कोई भोजन, नहीं ऐसे लिखना, जब कोई तेल युक्त भोजन, जब कोई तेल युक्त भोजन जब कोई तेल युक्त भोजन हवा से ऑक्सीकृत हो जाए, हवा से ऑक्सीकृत हो जाए तो उसमें अरुचिकर गंध और स्वाद आ जाता है, अरुचिकर गंध और स्वाद आ जाता है, अरुचिकर गंध और स्वाद आ जाता है जिसके कारण,
जिसके कारण इसे विकृत गंधिता कहा जाता है, जिसके कारण इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले, व्हेन अ ऑयली फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, व्हेन अ ऑयली फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एंड मेक्स अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी, इट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। ठीक है, ठीक है। अब इसके प्रिवेंशंस मतलब इससे इसकी रोकथाम, कैसे हम इसको बचा सकते हैं। तो बच्चों पहला मैंने क्या बताया था, जल्दी बताओ, पहला क्या बताया था मैंने? पहला बताया था नाइट्रोजन पैकेट में खाने को पैक करके। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट यानी इसकी रोकथाम लिखेंगे, प्रिवेंशंस हिंदी वाले लिखेंगे, नाइट्रोजन पैकेट में, नाइट्रोजन पैकेट में पैक कर चिप्स को पैक करके, चिप्स को पैक करके खराब होने से बचा सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले लिखेंगे, चिप्स आर प्रोटेक्टेड बाय बाय प्रोटेक्टेड बाय द पैकेजिंग, द पैकेजिंग इन द नाइट्रोजन गैस पैकेट, इन द नाइट्रोजन गैस पैकेट। ठीक है, दूसरा, दूसरा प्रति उपचायक मिलाकर, भोजन में प्रति उपचायक मिलाकर, भोजन में प्रति उपचायक मिलाकर। इंग्लिश वाले, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट इन द फूड। ठीक है, जैसे बताया था ना BHA BHT इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, रेफ्रिजरेटर में रखकर, फ्रिज में रखकर, है ना, बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर, बाय कीपिंग इन रेफ्रिजरेटर। ठीक है, और कैसे, फॉइल्स में, फॉइल्स में लपेट कर। ठीक है, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? ठीक है, पात्रों में लपेट कर। इंग्लिश वाले लिखेंगे, बाय फोल्डिंग अप इन फॉइल्स, बाय फोल्डिंग अप इन फॉइल्स। ठीक है जी, उसके बाद क्रोजन, क्रोजन की भी डेफिनेशन लिख लो, संक्षारण, संक्षारण लिखो। हिंदी वाले लिखेंगे, लास्ट है ये, खत्म फिर इसके बाद। संक्षारण वह परिक्रिया है, संक्षारण वह परिक्रिया है जिसमें धातु, संक्षारण वह परिक्रिया है जिसमें धातु अपनी सतह पर, अपनी सतह पर वायु, नमी या रसायन के पड़ने से, या रसायन के पड़ने से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जैसे लोहे पर जंग लगना। इंग्लिश वाले लिखेंगे, क्रोजन इज द प्रोसेस, क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच, क्रोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर रिएक्टेड विद, मेटल्स आर रिएक्टेड विद, मेटल्स आर रिएक्टेड विद एयर, मॉइस्चर एंड केमिकल, एंड केमिकल एंड एंड
अ पीस ऑफ मेटल एंड अ पीस ऑफ मेटल इज ग्रेजुअली रोटन। ठीक है, जैसे आगे इसके लिए एग्जाम्पल लिख सकते हो, लाइक रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, बचा कैसे सकते हैं जल्दी बता दो। तीन तरीके बताए थे मैंने इसको बचाने के। पहला पहला क्या था, इसकी प्रिवेंशन लिखो भाई, कैसे क्रोजन से बचा सकते हैं। ठीक है, संक्षारण से कैसे बच सकते हैं। तो पहला, पेंट करके, बाय पेंटिंग। दूसरा, कैसे बचा सकते थे, बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग। ठीक है, तेल और ग्रीस लगाकर। ठीक है, और तीसरा तीसरा क्या बताया था मैंने, बाय गैल्वनाइजेशन, यसद लेपन करके। बताया था ना यसद लेपन क्या होता है, जैसे लोहा है तो लोहे के ऊपर जिंक पिघला के उसकी लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इससे बच जाता है। ठीक है, तो चलो मैंने सारे के सारे आपको कंटेंट लिखवा दिए। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म। अब अगली क्लास में आपका सेकंड चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, और बच्चों अब आपको वेबसाइट, जैसा कि पता है, ठीक है, सभी बच्चों को कि हमारे वास्प स्टडी देख लीजिए, मैं यहां पे बता देता हूं। ठीक है, waspstudy.com, इस पे सभी बच्चे लॉग इन कीजिए। ठीक है, सभी बच्चे लॉग इन कीजिए और इसी पर आपको वीडियो प्रोवाइड हो रही है भी, और जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी बता रहा हूं कि waspstudy.com पर जाके रजिस्टर कीजिए और वहां पर आपको ये सारी क्लासे अवेलेबल करा दी गई हैं। ठीक है, तो सीखिए और मजे कीजिए। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड चैप्टर, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। बहुत प्यारा चैप्टर है और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।